जब मैं बात करता हूं तो सब सुनते हैं, आगे से कोई बोलता नहीं है। बीवी है मेरी बाबा साहब भी। बाबा साहब आप प्लीज प्लीज आरा को समझाएं। वो हर वक्त उस लड़की की तरफदारी करते हैं, गैर जरूरी कॉन्स्टेंटली उसे डिफेंड कर रहे होते हैं। किसी को भी उस लड़की की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका बाप आया था मेरे पास, पैसे चाहिए उसे, मैं दे दूंगा और चंद दिनों में इंशाल्लाह खुला हो जाएगा। वो तो ठीक है बाबा साहब, लेकिन मैं घर के माहौल के बारे में परेशान हूं। जब से ये लड़की यहाँ आई है सब कुछ उल्टा हो रहा है, और डैड भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। कहीं जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूं। खैरियत? समझ नहीं आ रहा बाबा साहब मुझे। आपने कहा कि मैं के वालिद आपसे पैसे लेकर गए, यहां से जाते ही उनको हार्ट अटैक हुआ। उनका बाईपास है वहां जा रहा। शमशेर तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम कह रहे हो कि बाबा साहब ने तुमसे झूठ बोला था? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मुझे नहीं पता उन्होंने झूठ कहा था या सच, लेकिन हकीकत यह है कि अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, सही नहीं हुआ उनके साथ। वाह वाह वाह, जुमा जुमा चार दिन नहीं हुए अभी इस लड़की को इस घर में आए, और इस लड़की ने ये यकीन दिला दिया तुम्हें कि तुम्हारा बाप तुमसे झूठ बोल रहा। जब मैं बात करता हूं तो सब सुनते हैं, आगे से कोई बोलता नहीं है। बीवी है मेरी बाबा साहब भी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई इससे स्टोन में बात। बाबा साहब आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं अपनी इज्जत की खातिर आज ना सही तो कल ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन फिक्र मुझे इस खानदान की, इस घर के नाम की है जो मिट्टी में मिलने वाला है। बाबा साहब सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे आपकी है, पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त करेंगे इस साथ। Assalamu alaikum. Please subscribe to AYR Digital YouTube channel for amazing content.